रमन आपने लॉयर से बात की है कि नहीं परम के लिए? शाम तक बताएगा हमें क्या करना है। रमन कुछ नहीं होगा उसे। हेलो, लो एक मिनट, सिमी तू फोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मी परेशान हो रही है, यहाँ कहाँ है तू? मेरी फिक्र मत करो भाई, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी डिस्टर्ब थी इसलिए मंदिर आई हूँ। बता के जाना यार, ठीक है सुनिए, आपने आपने चले थे, कुछ नहीं हुआ। खोती है मंदिर जाना, मेरे को बता के जाती, किसी को बता के जाती, मैं उसके साथ चली जाती। अब आप अपना बीपी हाई मत कर लेना। सिम्मी और मंदिर, क्या? आई एम टेलिंग यू यशिता, मैं इसे जरा भी ट्रस्ट नहीं करती। गॉड नोज क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही होगी। क्योंकि सिम्मी इस टाइप की है नहीं कि वो किसी मंदिर जाए। बाय द वे, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी, क्या बताना चाह रही थी? एक सेकंड इशिता, मैंने ना उसे कुछ घंटों पहले मुनीर का में देखा था जब मैं एनजीओ के काम के लिए गई थी। मुनीर का के पास? ओके, मुनीर का के पास मंदिर? सभी मंदिर तो डेफिनेटली नहीं गई है, तो कहाँ गई है? I'm so sorry, so sorry. It's okay, Simmo. सबके सामने मैंने आप पर हाथ उठाया ना। I know, Baba, but मैं समझ सकता हूँ कि उस समय क्या सिचुएशन थी, और मैं जानता हूँ तुमने ये सब क्यों किया। देख क्या है सिम्मो, मैं तो सबकी नजरों में बुरा हूँ ही, फिर से बन गया। पर हम दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तुझे सही रह करके उस भल्ला हाउस में रहना बहुत जरूरी है, ताकि तू इशिता की हर चाल पे नजर रख सके। आप एक बात बताओ, बिना बुरे सब कुछ कैसे समझ जाते हो? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना प्यार करती हूँ आपसे। अच्छा सुनो ना, मैं ना ये इशिता से सच में तंग आ गई हूँ, प्लीज उसको रास्ते से हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पर सच में मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल गए, हियर्स के घर में जाकर रहने लगे। सिमी क्या है ना, मुझे तुझसे दूर नहीं रहना था। चलो इसी बात पे ना लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अरे मैं इतनी दुखी हूँ, मंदिर में टाइम लगता है रोने धोने में। आई नो बाबा, तू बहुत दुखी है, चल। थैंक यू सो मच परम जी लॉन्ग ड्राइव के लिए। अब मुझे ना यहीं बस मंदिर के पास उतार दीजिए। अभी मैं मंदिर जाऊंगी, मलाई मंदिर से प्रसाद लेकर सीधी घर। वाह, बड़ी शातिर हो गई तू मेरे साथ रहते रहते। आपकी बीवी हूँ ना, ये सब करना पड़ता है भाई। चलो मैं जाती हूँ। हाँ। क्या बात है। चाल चलने में तो तुम नंबर वन हो, तो मलाई मंदिर सिर्फ एक बहाना था, असल में तुम्हें परम जी से मिलने आना था। चलो अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि हम लोग साथ थे और अभी भी साथ हैं। ऐसे मुझे तो लगा था कि तू इतनी चालाक है तो पहले ही हमारा झूठ पकड़ लेगी, पर इतने भी होशियार नहीं है तू। क्योंकि दिल अच्छा है ना, हमेशा दिल कहता है कि नहीं, कोई इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। और तुम्हें वो बेनिफिट ऑफ डाउट देने लगती हूँ। चलो अच्छा है, देर सवेरी से ही तुम्हारी असलियत पहचान ली मैंने फिर से, इस बात की गांठ बांध दूंगी मैं अब। By the way, ये बात अब रमन से नहीं छुपी रहेगी। He needs to know this. हाँ हाँ, जरूर। जाओ, जाकर बता दो। वैसे भी क्या पता कि भाई के साथ क्या हो जाए? क्या हो जाए मतलब? मतलब ये कि तूने मेरे पति को घर से निकलवा दिया ना, तो मैं तेरे पति को चैन से कैसे जीने दे सकती हूँ? तेरे पति को भी घर से जाना होगा। वैसे मैंने उन्हें ना एक
बहुत ही खतरनाक जगह भेजने का सोच रही हूँ मैं। खतरनाक मतलब? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या है? तू सोचना इशिता, तू तो इतनी चालाक औरत है, सब दिमाग लगा सकती है ना। तो दिमाग लगा कि क्या करने वाली हूं मैं? तूने मेरी बेटी को मार दिया ना, तो मैंने तेरी बेटी का जीना दुश्वार कर दिया। और अब जो तूने मेरे पति को घर से निकलवाया है, मेरे पति को मुझसे दूर किया ना तूने, तो मैं तेरे पति को तुझसे दूर कर दूंगी। उनको भी घर छोड़ना होगा और वो जाएंगे कहां? सीधे असाइलम। हयाली पुलाव बनाना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा रमन के साथ में। ऐसा होगा इशिता, तू रोक सकती तो रोक ले, ऐसा कर तू। उप्स, 5 मिनट बचे हैं, सिर्फ 5 मिनट। पांच मिनट बाद रमन भाई को एक फोन कॉल आएगा, और अगर तो उन्होंने वो फोन कॉल रिसीव कर लिया तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता इशिता। One second, Mr. Sharma. 1 second. Ah, thank God. नहीं, no disturbance. बोलिए। 5 मिनट है तेरे पास। बचा सकती तो बचा ले अपने पति की जान। कुछ कर सकती तो कर ले ना। देख, 5 मिनट बचे हैं। सोच ले। कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? फोन कॉल आने से पहले बचा लेना रमन भाई को, वरना तो कुछ नहीं कर सकती। सिमी, ये प्लान है क्या? तुमने मुझे भी नहीं बताया। इस बार ऐसा तगड़ा दाव खेला है ना कि इशिता याद रखेगी। एक बार गुड न्यूज आने दो, फिर बताती हूँ आपको। गॉड, मेरे फोन की बैटरी भी अभी ऑफ होनी थी। क्या कर क्या रही है? कुछ तो हिंट दे। मैं अपने कंफर्मेशन कॉल का वेट कर रही हूँ। एक बार कॉल आ जाए फिर सब क्लियर। रमन वो फोन ना उठाए। मिस्टर शर्मा, कॉल यू बैक। क्या करूं मैं? हेलो, यप, स्पीकिंग। क्या फोन उठा लिया रमन भाई ने? सुपर्ब, खेल तो अब शुरू हुआ है। शिता, समेट सकती है तो समेट ले। अब देखती हूँ कैसे बचाती है वो रमन भाई को असाइलम जाने से। ये कैसे हो सकता? ये शायद हो भी सकता, क्योंकि चीजें तो मुझे याद रहती नहीं। और हेलो, मेरा फोन कट क्यों किया तुमने? मुझे बात करनी है तुमसे अर्जेंटली। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहता तुम कौन हो। मुझसे मिलने आओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे। तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। तुम हो कौन? तो
तुम उससे आके मिलो तो सही, तुम सब जान जाओगे। शाम को 8 बजे कॉफी कैफे में पहुंच जाना, वहां से कहां आना है मैं तुम्हें बता दूंगी। हेलो, रमन भाई से मिल रही हो ना? और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? गुड, जस्ट कीप इनफॉर्मिंग मी। सिमी तू क्या कर रही है? जल्द से बता रहा, मेरे अंदर बेचैनी सी हो रही है, इंतजार नहीं हो रहा है मुझसे, तू कर क्या रही है? परम जी, उस इशिता ने भूखी शेरनी के मुंह में हाथ डाला है ना, अब तो उसका हाथ काटना पड़ेगा। उसने आपको घर से निकाल के अच्छा नहीं किया। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो जंग होगी, खुली जंग। ऐसा हाल करूंगी ना उस इशिता का जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है ना, वैसे तड़प तड़प कर हार मानेगी वो, क्योंकि मैंने प्लान ही ऐसा बनाया। कुछ नहीं कर सकती अब वो। सच में ऐसा होगा या खोखली धमकी? ये तो खोखली धमकी है, क्योंकि बड़ा प्लान तो ये है कि रमन भाई खुद बोलेंगे कि मुझे पागल खाने छोड़ आओ। हाँ क्यों, लेकिन रमन क्यों बोलेगा? परम जी, देखते जाओ, सिमी का प्लान है, वो भी मास्टर स्ट्रोक। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता। कौन है ये औरत, क्या चाहती है, ऐसी बातें क्यों कर रही है? घर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आई नीड टू गो आस्क हर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं है तो ऑफिस में? रमन, आपको किसी का फोन कॉल आया था? फोन कॉल? ऑफिस में वो ऐसे लोगों को फोन नहीं आते हैं, काम की जगह पर फोन नहीं आते। ये बेतुके सवाल मत करो प्लीज मुझसे। ऑफिशियल फोन की बात नहीं कर रही हूँ रमन, कुछ अलग सा कॉल आया था क्या, प्लीज मुझे बताइए। अलग सा कॉल क्या होता है यार, ये ऑफिस है, अलग सा कॉल क्या, कॉल सेंटर नहीं है ये। प्लीज मुझे बहुत काम है, काम के वक्त मत किया करो। आप इतने नर्वस क्यों फिर, क्या छुपा रहे हो आप मुझसे रमन? प्लीज प्लीज टेल मी, बताइए ना। टेल यू यार कि पुलिस वाले की तरह सवाल करना बंद करो ना यार, ये मेरी ऑफिस है, मुझे कोई क्यों कहेगा कुछ? देखो मेरे पास बहुत काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन माय हेड, काम की वजह से स्ट्रेस है, प्लीज तुम अपना काम करो। मेरे घर कोई बात नहीं है तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, सच में किसी का फोन नहीं आया था, आप किसी बात से परेशान नहीं हो? सर क्लाइंट्स आ गए हैं और कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है, तुम जाओ, मुझे तुम्हारा वेट करिए क्लासेस। सब रमन को कॉल आया तो है, तभी वो इतने परेशान है, पर किसका फोन आया होगा मुझे पता लगाना होगा। परम के चंगुल से ये घर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, मुझे पूरा का पूरा मॉर्गेज का अमाउंट वापस करना पड़ेगा बैंक को, दैट्स इट। पर पाला, इतना बड़ा अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन लाना पड़ेगा। पाला, अगर हमें अपना घर चाहिए तो लाना पड़ेगा। अरे तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, डोंट वरी। इसको इसको बेच दो, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। विश्वा, ये घर मैंने अपने हाथों से सजाया है, ये सब चीजें मैंने मैंने खुद कुछ चूज किया है, इधर ये सोफा, ये घर, ये मेरा घर है, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, इस घर में मरना चाहती हूँ, मुझे मेरा घर वापस। ऐसा क्यों बोल रहे हो मधु, सब ठीक हो जाएगा मधु। अम्मा आई एम सॉरी, मुझे से जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। अम्मा लुक एट मी, अम्मा अम्मा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं छुड़वाऊंगा आपका ये घर, मैं खुद को बेच दूंगा, कहीं से भी जाकर पैसे लेकर आऊंगा और अपना ये घर छुड़वाऊंगा। अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अम्मा प्लीज। मधु, बाला, बाला, अब
पापा ये क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ। हाँ आलिया, तुम्हें फूड पॉइजनिंग है, तुम ये क्यों खा रही हो? ये लो एक खिचड़ी खाओ। आदि तुम बेटर ना हो, वैसे भी लंच में मैंने खिचड़ी खाई थी तो भी ठीक है। निधि दीदी मुझे पनीर देना प्लीज। रमन कहाँ है, वो क्यों नहीं अभी तक खाने के लिए? वो अपने रूम में कुछ काम कर रहे थे, मैं बुला के लाती हूँ। भल्ला जी वो कुछ परेशान सा लग रहा था, मैं आप ही उन्होंने लेके आती हूँ। कितने जा रहा पुत्र? मैं बाहर जा रहा हूँ, क्लाइंट्स आए हैं चंडीगढ़ से, मेरी एक मीटिंग है उनके साथ। सर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ। नहीं मैं ऑफिस नहीं, मैं कहीं बाहर मिलने जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं खाना तो खा ले। फिकर मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में। नहीं यही तो नहीं है सिमी का प्लान, मुझे रमन के पीछे जाना होगा, देखना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। आप प्लीज एक्सक्यूज मी, अम्मा को कुछ काम था मुझसे, मैं आती हूँ उनसे बात करके, मैं आके खाना खा लूंगी। तुमने जहां बोला था वहां पहुंच गया। रमन कहाँ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा पीछा कर रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी लाइफ से दूर रहो ना, हर जगह पीछे पीछे आना जरूरी है तुम्हारा? नहीं ऐसा, अगर मैं यहाँ पे होगी तो क्या फर्क पड़ता है रमन? क्योंकि जिससे मैं मिलने आया था ना, ये वही आदमी जिसके पास तुम्हारे अप्पा के घर के पेपर्स हैं। तो मैं रुकने का बहुत शौक है, मैं जा रहा हूँ। रियली? Are you sure? क्या बच्चों की कसम खाओगे तो मानोगे क्या? एक काम करो, तुम रुको, मैं जा रहा हूँ। नहीं, I'm so sorry, पर मुझे लगा नहीं था कि जाओ प्लीज। ओके मैम, थैंक यू। ओके सॉरी, मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन तुम्हें बताऊं भी कैसे कि मैं किसको मिल रहा हूं? हां गेट मी इन कैपेशन। थैंक यू। आदि पापा बनने के लिए रेडी क्यों नहीं है? और अभी बेबी नहीं होगा तो कब होगा? करियर की वजह तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, और क्या वजह हो सकती है? आई थिंक घर पे बात नहीं हो पाती इस बारे में, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। आई होप वो जल्दी आ जाए और सारी चीजें सॉर्ट हो जाएं।
ये क्या लगा रखा है? पहले कहती हो यहाँ मिलो, अब कहती हो कहीं और आओ। सॉरी रमन अंकल, आप यहाँ कैसे? मेरी एक मीटिंग थी, मैंने बताया था ना, घर पे किसी को बोलना मत कि तुमने मुझे यहाँ देखा था। उसकी वीडियो से पापा इतने नर्वस क्यों लग रहे थे और उन्होंने घर पे किसी को बताने के लिए मना क्यों किया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।